आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है यानी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। वैसे मेरा फ्रिज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यदि इसके फ्रीजर को निकाल दिया जाए तो जो इसमें फ्रिज साइज है वो नॉर्मल फ्रिज जैसा ही है, बस ये गहरा थोड़ा ज़्यादा है। तो आप नॉर्मल, यदि आपके पास छोटा फ्रिज भी है तब भी आप सेम इसी तरह से बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फ्रिज को। तो मैं साथ ही साथ काफ़ी सारे टिप्स भी आपको बताती जाऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत हेल्पफुल लगते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले फ्रिज को। फ्रिज की क्लीनिंग के लिए बहुत ही इजी होता है बेकिंग सोडा और विनेगर, जिससे बहुत ही इजीली फ्रिज क्लीन हो जाता है। एंड आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं इसके छोटे छोटे कॉर्नर्स या फिर रबर को साफ करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट इसमें अलग से दिया हुआ है, ये आपको हर फ्रिज में मिलेगा। आपको कुछ नहीं तो फ्रीज़र के नीचे एक ट्रे मिलती है जो पानी के लिए होती है, उसमें आप इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट इजीली रख सकते हैं यदि आप बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने रख रखा है बॉक्स में। जैसे यहाँ पर बटर रख रखा है मैंने, कुछ इस तरह के पैड रखे हुए हैं यहाँ पर, एंड एक अभी हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया था तो वो रखा हुआ है। आप चीज़ वगैरह भी रख सकते हैं जैसे बटर, चीज़, चॉकलेट्स। तो ये जो डेरी फ्रेश वाला जो सेगमेंट है यहाँ पर, ये आपको नॉर्मल फ्रिज में भी फ्रीज़र के नीचे जो ट्रे होते हैं उस पर आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा क्लोज लेते हैं। इसके नीचे एक रैक है, तो ये बहुत ज़्यादा गहरी है मैंने आपको बोला, तो इसमें आप अंदर घुसेंगे तो आपको दिक्कत होगी, सामान पीछे का फैल जाएगा। तो यहाँ पर ना एक ट्रे लगाई है हमने। ट्रे क्या करती है, एक तरह से एक रैक का काम करती है जो बाहर निकाल देती है सारा सामान पीछे से। उसी के साथ ही साथ बहुत सारा सामान अरेंज करने के लिए, यानी लेफ़्ट ओवर फूड जो भी बचता है उसके लिए, ये जो छोटी छोटी फ्लैट प्लेट होती हैं, यानी आपके बाउल के साइज़ की ही प्लेट हों तो अच्छा है, फ्लैट प्लेट हों जिसके बाद आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बाउल अरेंज कर पाएँ इजीली। यदि हम इस तरह से फैला के रख देंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मैसी लग रहा है। और यही हम जब इन्हें ऊपर सेट कर लेते हैं इसके, तो जो इनकी हाइट है फ्रिज की वो यूज़ में आ जाती है और बहुत सारा सामान रख जाता है। जैसे यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज़ रखे हुए हैं, कुछ रात की सब्जियाँ रखी हुई हैं, थोड़ा राइस रखा हुआ है, चटनी रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं एक ही रैक में, और उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ निकालना। चलिए चलते हैं सेकेंड रैक पर। तो सेकंड रैक पे हमने ऐसा क्या रखा है, यहाँ पर फिर से हमने अगेन एक ट्रे लगाई हुई है जिससे पीछे का सामान निकालने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और बहुत इजीली हम सब कुछ निकाल पाएँ, कुछ भी गिरे नहीं या फिर हमें कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ पर भी एक होममेड कस्टर्ड रखा हुआ है, वनीला कस्टर्ड है, और उसी के साथ यहाँ पर एक अभी समर वैकेशन जैसे ड्रिंक होते हैं प्रीमिक्स, वो रखे हुए हैं, कुछ बच्चों के ड्रिंक्स रखे हुए हैं, चटनीज रखी हुई हैं, और उसके पीछे रखा हुआ दूध, और इसके आगे जो कंटेनर है उसमें हमने स्टोर किया मलाई। यदि आपके फ्रिज में जगह कम रहती है तो आप मलाई का जो बॉक्स है उसे फ्रीज़र में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस था तो हमने यहाँ पर रख रखा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ्रीज़र में आप मलाई रखेंगे तो उसका एक और फ़ायदा हो जाता है कि मलाई में बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। खैर फ़िलहाल मैंने इस मलाई में दही डाल के रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूध में एक हमने एक हैंडल डाला हुआ है जिसकी वजह से आप इजीली दूध को निकाल सकते हैं। तो इसके नीचे एक रैक है जिसे आप ओपन कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के ओपन रैक चाहते हैं तो छोटी छोटी रैक आपको इजीली मिल जाती है मार्केट में। उसमें हमने छोटी छोटी डलियां रखी हुई हैं जिसमें हमने टमाटर को अलग कर दिया है, नींबू को अलग कर दिया है, यहाँ धनिया रखा हुआ है, और अदरक भी हमने नींबू वाली बकेट में डाल के रखते हैं हम। और यहाँ पर एक बंद बॉक्स में हम रखते हैं मिर्च जिसकी हम डंडियाँ तोड़ देते हैं जिससे वो बहुत टाइम तक स्टोर रहती हैं। और धनिया को भी यदि आपको बहुत टाइम तक स्टोर करना है तो आप प्लास्टिक के बॉक्स में रखें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि आप इस तरह की रैक नहीं खरीदना चाहते तो ये देखिए बास्केट फ्रूट या सब्जी रखने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है और आप कभी भी कोई भी एक बास्केट लेंगे तो वो पूरी निकल आती है। इसके बाद जो वेजिटेबल बास्केट हर फ्रिज में आती है वो तो हर में होती है, तो इसमें एक बीच में ऑलरेडी सेपरेशन लगा हुआ आया हुआ है जिसमें हम एक साइड रखते हैं सब्जियां और एक साइड रखते हैं फल। अब आप बोलेंगे कि लॉकडाउन में हमें बहुत ज़्यादा सब्जियां स्टोर भी करनी पड़ती हैं, अभी भी कुछ जगह हैं जहां आप पूरे पूरे हफ्ते या महीने की सब्जियां ला रहे हैं, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स आपको अभी साथ ही साथ बता दूँगी जिससे आप देखिए इसके
बास्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गया है जहाँ आप फ्रिज की बोतल सेट कर सकते हैं यदि आप चाहें फ्रिज का पानी पीना। तो अब चलिए चलते हैं डोर साइड पर। तो डोर साइड पे जो पहली रैक है यहाँ पे जो सैसे आते रहते हैं, पाउचेज आते रहते हैं या बच्चों के छोटे छोटे जैम वगैरह आते रहते हैं वो रखे हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पर आई ड्रॉप या फिर जो बर्न क्रीम होती है वो रखी रहती है, मेडिसिन रखी रहती है। इसके बाद यहाँ पर मसाले बॉक्स है। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, मैंने आपको मसाले दिखाए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कौन रखता है मसाले कौन रखता है, लेकिन बिलीव मी यदि आप मसाले फ्रिज में रखते हैं ना और इसी तरह के बॉक्सेस में रख लेते हैं तो बहुत कम स्पेस में बहुत सारे मसाले आते हैं और कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं पड़ता है, यानी मिर्च में जो हो जाती है ना सुई वो नहीं पड़ती है। उसी के बगल में कॉफ़ी रखी थी और ये देखिए ये रखा है ब्रेड, तो ब्रेड को हमने इसी तरह के पिन से बांध के रखा है। यदि आप बॉक्स में रखते हैं तो वो और एक्स्ट्रा स्पेस लेता है और यदि आप सब कुछ फ्रिज में भर देंगे तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डोर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेव की हमने जगह, आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं। सबसे नीचे देखिए यहाँ पे सूजी मैदा कूटू आटा और हमने ये नॉर्मल थैली में ही रखा है क्योंकि ये थैली अपने आप एक शेप ले लेती हैं जो बहुत कम जगह में आ जाती हैं और इन्हें निकालना बहुत इजी हो जाता है। यदि आपके पास ये वाला साइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक जो फूड वेस्टेज वाले जो कंटेनर आते हैं ऐसे पतली सी कोई भी कंटेनर लेके सारी थैलियाँ अलग अलग एक ही कंटेनर में रख दीजिए, तब जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसी कंटेनर को निकालेंगे और उसमें से जो भी आपको निकालना है सूजी मैदा कूटू आटा या फिर कॉर्नफ्लावर वगैरह आप जो भी रखना चाहते हैं। कॉर्नफ्लावर वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फ्रीज़र पर जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितना सामान इसमें है इतना आप नॉर्मल फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये आमले जो हमने आज से आई थी 5-6 महीने पहले स्टोर किए थे और मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी कि आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए अभी भी कितने ज़्यादा फ्रेश हैं ये, इसमें से एक बॉक्स हम यूज़ कर चुके हैं और अभी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। उसके बाद आइसक्रीम्स वगैरह रखी हैं, बर्फ़ रखी है और यहाँ गाजर रखा है जो हमने गाजर स्टोर किया था वो भी अभी एकदम बढ़िया रखा हुआ है। तो यदि आप चाहें तो चेक कर सकते हैं फूड स्टोरेज वीडियो न्यास किचन बिला वाला। और ये है ट्रे बर्फ़ की जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर बर्फ़ ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ यदि चोट लग जाए तो आइस पैड रखा हुआ है और साइड में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए ऊपर एक्स्ट्रा जगह है। यदि आपके फ्रिज में इस तरह से ऊपर जगह नहीं बचती है तब आपको गेट पर ही इसे नीचे सेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि वेजिटेबल यदि बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप इस तरह के 3 लेयर बॉक्सेस जो होते हैं इनमें कट करके काफ़ी सारी वेजिटेबल सिक्योर कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के फूड बैग ले सकते हैं या फिर जिप लॉक बैग ले सकते हैं या फिर आप कुछ भी नहीं खर्च करना चाहते तो प्लेन जो पॉली बैग, जो प्लेन से पॉली बैग होते हैं हर चीज़ में निकलते हैं पापड़ में नमकीन में, उसमें भी आप वेजिटेबल कट करके लाइन वाइज रख दीजिए। बहुत कम स्पेस में बहुत सारी सब्जियां स्टोर हो जाती हैं बिलीव मी। तो आज के टिप्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक।